केरल में निपाह वायरस के मामलों में वृद्धि के बीच पड़ोसी राज्य कर्नाटक ने अपने केरल से सटे बॉर्डर जिलों में निगरानी बढ़ाने का फैसला किया है। कर्नाटक से केरल में एंट्री पॉइंट्स पर बुखार की निगरानी के लिए चेक पॉइंट्स बनाया जाएगा। केरल के स्वास्थ्य मंत्री कार्यालय के अनुसार कोझिकोड जिले में निपाह वायरस के एक और मामले की पुष्टि हुई है, जिससे राज्य में सक्रिय मामले बढ़कर 4 हो गए हैं। ICMR ने 15 सितंबर को घातक निपाह वायरस से निपटने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी केरल भेज दिया। साथ ही राज्य को सैंपल के टेस्ट में सक्षम बनाने के लिए एक बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब को भी ग्राउंड जीरो पर भेज दिया है। केरल सरकार ने कहा कि निपाह वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए जरूरी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी राज्य पहुंच गई है। इन्फेक्शन के इलाज के लिए सरकार के पास एंटीवायरस ही एकमात्र विकल्प उपलब्ध है। हालांकि इसकी एफिकेसी अभी तक क्लिनिकली साबित नहीं हुई है। AM-102.4 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक एक्सपेरिमेंटल थेरेप्यूटिक है जो कंपैशनेट ग्राउंड के आधार पर संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए 2018 में हुए निपाह प्रकोप के दौरान आयात किया गया था। उस समय इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था क्योंकि जब तक यह आया तब तक इसका प्रकोप खत्म हो चुका था। बता दें 14 सितंबर को कर्नाटक सरकार ने एक सर्कुलर इशू कर कहा कि कोझिकोड में निपाह के 4 मामलों की पुष्टि और 2 मौतों को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक के उन जिलों में निगरानी मजबूत करने की आवश्यकता है जो केरल के साथ सीमा साझा करते हैं, जैसे कि चामराजनगर, मैसूर, कोडागा और दक्षिणी कन्नड़। सर्कुलर में लोगों से कर्नाटक से केरल के प्रभावित क्षेत्र में आम जनता को गैर जरूरी यात्रा न करने का भी आग्रह किया गया है। अब जान लेते हैं कि आखिर ये निपाह वायरस है क्या। निपाह वायरस या NIV संक्रमण एक जूनोटिक वायरस है जो जानवरों और इंसानों दोनों में पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जानवरों से इंसानों में फैलता है। रिसर्च से पता चलता है कि यह बीमारी सबसे पहले तब फैली जब इंसान सुअर के मल के संपर्क में आए। ये सुअरों, फल, चमगादड़ों, घोड़ों, भेड़, बकरी और यहाँ तक कि बिल्लियों और कुत्तों में भी पाया जाता है। अब जान लेते हैं कि निपाह वायरस के लक्षण क्या है। दरअसल निपाह वायरस के लक्षण आमतौर पर संक्रमण के 4 से 14 दिन बाद दिखाई देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक इनमें बुखार, सिरदर्द, ब्रॉन्सिनेस, खांसी, गले में खराश, डिसोरिएंटेशन, उल्टी आना शामिल है। यह तेजी से भी बढ़ सकता है, जिससे गंभीर मामलों में इंसेफ्लाइटिस, दिमाग में सूजन हो सकता है, जिससे दौरे पड़ सकते हैं या मरीज कोमा में जा सकता है। निपाह वायरस के संक्रमण की पुष्टि केवल RT-PCR टेस्ट से ही की जा सकती है। अब जान लेते हैं कि यह फैलता कैसे है। दरअसल निपाह वायरस एक संक्रामक रोग है, जिसका अर्थ है कि यह संक्रमित जानवरों और लोगों के सीधे संपर्क या उनके शारीरिक तरल पदार्थ से दूषित भोजन के माध्यम से फैलता है। केरल में फल, चमगादड़, विशेष रूप से कोझिकोड और उसके आसपास पाए जाने वाले चमगादड़ों को इन्फेक्शन का सस्पेक्टेड सोर्स माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार निपाह से मृत्यु दर 40 से 75% के बीच है। इसका मतलब ये है कि लगभग आधे मामलों में मृत्यु होने की आशंका है। अब आप पूछेंगे कि इसका इलाज क्या है, तो बता दें कि मौजूदा वक्त में निपाह वायरस के लिए कोई सटीक उपचार या टीका नहीं है। इलाज में लक्षण मैनेजमेंट, हाइड्रेशन और आराम शामिल है। वैसे निपाह वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, पर उसकी एफिकेसी अभी तक क्लिनिकली साबित नहीं हुई है। अब जाते जाते जान लेते हैं कि इससे बचने के क्या उपाय हैं। तो बता दें कि इससे बचने का उपाय जो सबसे ज़रूरी है वो पर्सनल हाइजीन बनाए रखना है। अपने हाथ नियमित रूप से धोएं। खुद में कोई लक्षण हो या आप फ्लू जैसे लक्षणों वाले लोगों के आसपास हैं तो नाक और मुंह को मास्क से ढक कर रखें। जिन क्षेत्रों में चमगादड़ पाए जाते हैं वहाँ के कच्चे फल, ज़मीन पर पाए जाने वाले फल या पेड़ों से तोड़े गए फल खाने से बचें। जब तक बीमारी कम ना हो जाए एंडेमिक जगह में जाने से बचें। NIV से संक्रमित किसी भी व्यक्ति के ब्लड या शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क में आने से बचें। ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, क्विंट हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें।